नमस्कार, मैं हंसिका मलिक। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। आज एक बार फिर हरियाणा के पंचकुला में दो ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ रही है। सेक्टर 20 की सन सिटी परिक्रमा सोसाइटी में रियल एस्टेट एजेंट अरुण सिंगला और एक दूसरे प्रॉपर्टी डीलर के आवास पर ईडी की टीम पहुंची है। दरअसल एचएसवीपी विभाग से जुड़ा भ्रष्टाचार का ये मामला बताया जा रहा है। एचएसवीपी विभाग से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली सहित हरियाणा में कई ठिकानों पर ईडी रेड कर रही है। जानकारी के अनुसार करोड़ों रुपए के गलत तरीके से फर्जी रिफंड लेने का ये मामला है और बताया जा रहा है कि साल 2015 से साल 2019 के बीच फर्जीवाड़ा किया गया था और इस मामले में हरियाणा के कई रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी और अधिकारी रडार पर है। सो खबर है कि कई सरकारी अधिकारियों और कुछ रिटायर्ड अफसरों समेत प्राइवेट लोगों की लोकेशन पर ईडी की कार्रवाई जारी है। आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से ईडी की रडार पर हरियाणा के कई नेता और बिजनेसमैन हैं। कुछ दिन पहले हरियाणा के तीन नेताओं के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी थी, जिसमें काफी सारा पैसा, सोना और विदेशी हथियार बरामद किए गए थे। उन तीनों नेताओं का माइनिंग कारोबार में हिस्सा बताया जा रहा था। हरियाणा की दूसरी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए द मसला के साथ। सो उसके लिए आप द मसला के चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।